खरगोन जिले के सनावद में अंजुमन इस्लाम कमेटी में आए दिन हो रही अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के नौजवानों व बुजुर्गों के साथ एक विशेष वर्ग व एक विशेष राष्ट्र विरोधी दल के द्वारा घेरकर शारीरिक व मानसिक रूप से यातनाएं को लेकर नायब तहसीलदार सुखदेव डावर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अंजुमन इस्लाम कमेटी के सेक्रेटरी आशिक अली ने बताया कि लोकतांत्रिक मुल्क भारत में विगत कुछ वर्षों से आए दिन हो रही अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के नौजवानों और बुजुर्गों के साथ एक विशेष वर्ग एक विशेष राष्ट्रीय दल के द्वारा घेर कर शारीरिक व मानसिक रूप से यातनाएं देकर प्रताड़ित कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला सार्वजनिक स्थानों पर मॉब लिंचिंग के तहत हत्याएँ की जा रही है, साथ ही उसकी वीडियोग्राफी भी करते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग में बहुसंख्यक वर्ग का भय जानबूझकर पैदा करने के उद्देश्य से ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं जो कि संभवतः किसी प्लानिंग योजना के तहत किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी ही घटना अभी हाल ही में झारखंड के गांव खरसावा में एक मुस्लिम नौयुवक तबरेज अंसारी के ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाकर एक विशेष वर्ग और राष्ट्र विरोधी संगठन के युवकों द्वारा कानून अपने हाथ में लेते हुए इस मुस्लिम युवक को सार्वजनिक स्थल पर बुरी तरह यातनाएं देकर बेरहमी से मारा। इसी को लेकर अंजुमन इस्लाम कमेटी ने शासन प्रशासन से मांग की है कि अल्पसंख्यकों में व्याप्त भय को देखते हुए मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से अंकुश लगाने के साथ ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सभी अधिकारियों के साथ जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करने की मांग की है। सनावा से संवाददाता की रिपोर्ट। ये अपने हिंदुस्तान के अंदर एक नया ट्रेड शुरू हो चुका है मॉब लिंचिंग का। ये कुछ विशेष लोगों द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के नौजवानों के साथ में इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में झारखंड के अंदर एक गांव के अंदर घटना हुई जिसमें तबरेज अंसारी के साथ में जय श्री राम बोलने के नाम पर उसको मारपीट की गई और मारपीट इतनी की गई कि उसकी मौत हो गई और उसका वीडियो वायरल किया गया। इससे मुस्लिम समाज में रोष और भय व्याप्त है कि इस तरीके की घटनाएँ अगर अकेले में कोई मुस्लिम व्यक्ति मिलता है तो उसको घेर कर मार देना, मारपीट करना, ये कहाँ का कानून है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने आज राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के अंदर ये मांग की गई कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर कानून बनाया जाए और इसकी जांच अलग अधिकारी से की जाए और जो जांच हो जांच को उन्होंने पब्लिक तक पहुंचाई जाए, आम की जाए। साथ ही जो परिवार जिसके साथ में घटनाक्रम हुआ है उस परिवार को 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति जाए और ये पैसा उन आरोपियों के ऊपर जिन पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी संपत्ति को राजसात करके वसूला जाए। दूसरा यह है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा या तो उम्र कैद की जाए या फांसी की सजा दी जाए। इस तरीके के इस ज्ञापन के अंदर हमने पॉइंट दिए हैं और ये ज्ञापन पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम समाज के लोग दे रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज सनावत में अंजुमन इस्लाम कमेटी ने भी दिया है। इस ज्ञापन देने में शहर के लगभग 500 लोग शामिल हुए और उन लोगों ने यहाँ पर आके तहसीलदार नायब तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया।